हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट करवाई थी लेटेस्ट एडिशन सेशन जो 22-23 है उनके लिए मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड के बारे में पढ़ा दिया था। और आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं इनकम मेथड से, वो भी हमारा टीआर जैन की बुक से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे फ्री लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, जी हाँ बेटा, फ्री 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 लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जहां पे मैं आप लोगों के लिए फ्री लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। और नून ऐप आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है। और अगर आप पेड क्लास भी लेना चाहते हैं, यानी प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं, मुझसे प्राइवेटली पढ़ना चाहते हैं, अकेले पढ़ना चाहते हैं, उसकी भी आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं मेरे से। ये नंबर दे रखा है, मैसेज करना, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक नेशनल इनकम का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट जो है वो नीचे अटैच कर दूंगा, जहां पे आपकी जो लेटेस्ट एडिशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उस बुक से मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्रेशन आपको पढ़ा रहा हूं, तो वो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मेथड का नाम है इनकम मेथड। देखो इनकम मेथड हमारा क्या कहता है, इनकम मेथड आपको नाम में समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इनकम की बात करी जाएगी। और कौन सी इनकम, याद हो जब नेशनल इनकम स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको फैक्टर इनकम के बारे में बताया था, तो यहाँ पर भी कौन सी इनकम की बात करी जाएगी, फैक्टर्स इनकम की। नेशन मेथड क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट। इस मेथड के अनुसार जो हमारी नेशनल इनकम है वो फैक्टर पेमेंट्स के हिसाब से ली जाती है। फैक्टर पेमेंट्स जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब किसको मिलता है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिलता है, आपने आपका घर दे रखा है किराए पर तो रेंट मिलता है, आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपने अपनी कोई स्किल दी है तो वहां पे हमको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारी फैक्टर इनकम क्या है। अ फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्न बाय अ पर्सन और अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस। जो आपने फैक्टर सर्विसेज दी उसके बदले जो पैसा आपको मिल रहा है वो हमारी क्या है, फैक्टर इनकम। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस सैलरी फॉर हिज लेबर, वेजेस सैलरी के रूप में भी हो सकती है अपने लेबर के लिए, रेंट के रूप में भी हो सकती है अगर आपने लैंड दिया है, इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल अगर आपने कुछ पैसा लगाया, या प्रॉफिट अगर आपने कोई आइडिया दिया है। इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर ओनली अर्न इनकम। जो पैसा आपने कमाया है, मेहनत करके कमाया है, उसी को हम फैक्टर इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज नॉट अर्न। तो इसमें वो चीज नहीं आएगी, वो इनकम नहीं आएगी जो अर्न इनकम का हिस्सा नहीं है, फॉर विच अ फैक्टर सर्विस हैज नॉट बीन रेंटर। ओके, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओल्ड एज पेंशन रिसीव बाय द सीनियर सिटीजन इज नॉट देयर अर्न इनकम, इट इज जस्ट अ हेल्प बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी थिंग इन रिटर्न, सच रिसीप्ट और पेमेंट आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब आपसे दो चीज आती है हमारी, एक ओल्ड एज पेंशन आती है और एक आपकी रिटायरमेंट के बाद की पेंशन आती है। रिटायरमेंट की बात की पेंशन एक आपका डेफर्ड वेज होता है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन ओल्ड एज पेंशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा फैक्टर इनकम का, वो बड़ा ही नेशनल इनकम को निकालने के लिए इनकम मेथड से वो बड़ा ही बेसिक होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिस इनकम। लेकिन देखो आपको आना जरूरी है कि सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या होता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कौन कौन, सबसे पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश। इट रेफर टू कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के खाते में वेजेस या सैलरी देना, किसके लिए, रिवॉर्ड है उसने काम किया है, पेमेंट इन काइंड, अब यहाँ पर पैसा कैश में नहीं देना, रहने की सुविधा देना, खाने पीने की सुविधा देना, मेडिकल फैसिलिटी देना, ये सारे हमारा क्या होता है, पेमेंट इन काइंड। Employees, employer contribution to social security. It refers to such payment as provident fund contribution by the employer on behalf of the employees. Employee के behalf पे employer ने कुछ contribution दिया है, किसके लिए, provident fund वगैरह के लिए,
तो वो हमारा कहलाता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। फोर्थ होता है पेंशन और रिटायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन, इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। सेकेंड है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन इसको मैं अब आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है और इनमें से कोई चीज दे रखी है, यानी वेजेस एंड सैलरी दे रखा है, पेमेंट एंड काइंड दे रखा है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि पापा आ गए हैं तो औलादों की कोई काम नहीं है। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा है, उस केस में हम इन सबको इंक्लूड करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करी जाए, इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रीनरशिप। आपने अपनी घर से आपने कहीं पर पैसा लगाकर कोई पैसा लाए हैं, उसको हम सब ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट कहते हैं, जो कि हमारा रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट होता है। तो जो हमारा रेंट होता है वो अलग है, इंटरेस्ट होता है वो अलग है, लेकिन प्रॉफिट में तीन चीजें इंक्लूड होती है। एक आपका डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, डेट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटते हैं, वो है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हुआ और उसने जो पैसा नहीं बांटा उसे हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो उसने फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, जिसको हम रिटेन अर्निंग के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है हमारा कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। अगर हमारी इनकम मेथड का फॉर्मूला देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई में हमारा क्या क्या आता है सर, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड या पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन और पेंशन। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो इन सब में से किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पापा हैं। ऐसी ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज आती है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो ना ही रेंट आएगा, ना ही इंटरेस्ट आएगा, ना ही प्रॉफिट। और प्रॉफिट में क्या क्या आता है सर, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और रिटेन अर्निंग। तो अगर प्रॉफिट दे रखा है तो ये तीनों चीजें नहीं आएंगी। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा, उस केस में हम इनको लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, उस केस में हम इनको लेंगे। और प्रॉफिट नहीं दे रखा, उस केस में हम इनको लेंगे। लेकिन जो हमारा तीसरा है मिक्स इनकम, मिक्स इनकम का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी इनकम का मिक्सचर होता है, तो इसको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसे मिक्स इनकम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा पूरा एक फॉर्मूला बन गया, कैसे सर, देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या निकल के मिलेगा, एनडीपीएफसी। और आपको मालूम है नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपीएफसी। तो एनडीपीएफसी में एनएफआईए प्लस कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। तो यानी कि मैं इन चारों चीजों को बोलूं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस एनएफआईए, तो हमारा क्या निकल आएगा, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से हमें क्या निकलता है, एनडीपीएफसी। प्रोडक्ट मेथड से क्या निकल रहा था, जीडीपीएमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमारा जीडीपीएमपी निकलता है। अब आपसे जैसे आपने प्रोडक्ट मेथड में पढ़ा था कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप इनकम मेथड करें, तो देखिए, सबसे पहला है ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी ट्रांसफर इनकम होती है वो हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होती, बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। हाउएवर जो रिटायरमेंट पेंशन है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती है, अभी हमने पढ़ा था। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी जैसे चोरी चकारी करना, ये नेशनल इनकम में नहीं करी जाएगी, लेकिन इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी इट इज नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेट आर अवेलेबल ऑफ सच। कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड नेशनल इनकम। जो आपने कमीशन पेड करा है सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने पर या खरीदने पर, वो आएगा नेशनल इनकम में, क्योंकि एक तरीके का रिवॉर्ड होता है सर्विस देने का। ब्रोकरेज ऑन द सेल परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इज टू बी इंक्लूडेड। जो दलाली होती है सेल परचेज से किसकी, शेयर या बॉन्ड की, वो भी आएगा। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन, अचानक से लॉटरी, इसको हम नहीं करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस, ये भी हमने पढ़ा था रेंट का।
करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम जो इकोनॉमी इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ, जो हम अपने लिए कंजप्शन कर रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, जो हमने प्रोडक्शन किया और उसका हम खुद यूज कर रहे हैं किसके लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये किससे कंपोनेंट है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट के। वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एनी ऑफ दीज कंपोनेंट शुड नॉट बी एडेड सेपरेटली। ये मैंने आपको बताया ही था, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं आएगा। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वेज सैलरी इन कैश, ये मैंने आपको बताया था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर दे रखा है तो इसमें से कोई चीज नहीं आएगी, नहीं दे रखा है तो आएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा इतना। अब मैं आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन करवाता हूं, ये देख आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए आप सभी बच्चों मुझे ये बताएंगे कि क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको इनकम मेथड का, क्या क्या चीजों को हम ऐड करते हैं और या फिर क्या क्या चीजों को हम लेस करते हैं। सर तीन चीजें, क्या क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। अब जरा क्वेश्चन में ये चेक करेंगे क्या तीनों चीजें एज इट इज दे रखी हैं। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको दे रखा है 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 10,000 और मिक्स इनकम दे रखी है 28,000। तीनों को सिंपली हम ऐड कर देंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपका कितना था 24,000, ऑपरेटिंग सरप्लस था हमारा 10,000 और मिक्स इनकम थी हमारी 28,000। तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 62,000। अब बात करी जाए, ये आ गया हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम। अब हमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, यानी कि अब हम नेट से कहां जा रहे हैं, ग्रॉस पे जा रहे हैं। नेट से जब हम ग्रॉस पे जाते हैं तो जो हमारा डेप होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है सर। तो डेप इसमें दे रखा है कितना, 1700। तो जो आपका ये निकला था आंसर 62,000, इसमें हम 1700 और ऐड कर देंगे तो 63,700, ये हमारा आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब आपको निकालना है नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम निकालना है, यानी कि एनडीपीएफसी जो आपने निकाला था उसमें आप एनआईएफआईए दे रखा है क्या, दे रखा है, ये 300 माइनस कर देंगे, यानी कि जो आपने 62,000 निकाला था, ये जो हमने 62,000 निकाला था इसमें से हमें क्या कर देना है, 300 माइनस कर देंगे, हमारा आएगा 61,700। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको क्या निकलवा रहा है लास्ट में, लास्ट में कह रहा है एनएनपीएमपी। तो देखो एनएनपीएफसी कितना आया था, 300 माइनस करके 61,700। अब आपको क्या निकालना है एनएनपीएमपी, एफसी से एमपी में जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और प्लस सब्सिडी करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 9,000 रुपए और सब्सिडी कितना दे रखा है 1,800 रुपए। तो यहां पर एफसी से एमपी में जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और माइनस सब्सिडी, ठीक, तो आपका यह आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने इनकम मेथड देखा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको तीसरा मेथड लेके आऊंगा, हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।